सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज वो ब्लॉग आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो आज है मेरी दीदी की शादी का पहला दिन और अभी आपको सारी डेकोरेशन वगैरह बता देते हैं कैसे किस तरह से की है। अभी सारी कंप्लीट नहीं हुई है बट अभी मुझे टाइम मिल गया है थोड़ा सा बनाने का, तो आपको बता देते हैं। फिर बाद में बिजी वगैरह काम वगैरह करने हैं तो आपको सारी रस्में बताएंगे छोटी से छोटी, तो एक भी सीरीज़ आप मिस मत करना। तो आज ये है ब्लॉग पार्ट वन, तो इस ब्लॉग को पूरा देखना। सो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर है मेन गेट, आप देख सकते हैं कुछ घर इस तरह से लग रहा है यहाँ से। और अभी तक पूरी डेकोरेशन नहीं हुई है, लाइट्स वगैरह भी लगानी है, तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी चलते हैं अंदर, और अंदर से कुछ इस तरह का एंट्रेंस बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंट वगैरह आज पूरा लग गया है, और नीचे वाला जो है जहाँ पर की धाम होगी तो वो अभी लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डांस वगैरह करने के लिए बनाया गया है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं मम्मी जी के हाथ में ये थाली पूजा की, और ये पूजा की थाली यहाँ पर जितने भी लोकल हमारे जो भी देवता हैं उनको इनविटेशन देना है, मतलब शादी का, उन्हें शादी में बुलावा दिया जाएगा, तो इस तरह से दिया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। नीलकंठ दे पुजारी होते सच्चे जे फैन, बोले बाबा मेरे सर तेरे दर्ते चुकावा साथ तेरा नाल, मेरे फिर जो मर्जी भी गावा बोले फैन तेरे किद्दा भी न रहन, तेरे भी ना जिंदे भंग की वे बिंदे बड़े वाल भूगवाल गिच्च दम ठीक हाल ये। फ्रेंड्स अभी आपने यहाँ पर देखा यहाँ इस मंदिर में जो पूजा हो गई है, तो यहाँ पर लड़कियाँ प्रवेश नहीं कर सकती, आई मीन मतलब कोई भी औरत यहाँ पर नहीं आ सकती है, और यहाँ पर चप्पल पहनकर आना तो बिल्कुल मना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन जो है वो उसकी खुदाई लगी हुई है, और यहाँ पर इस तरह से कुछ खोदा जाएगा, और यहाँ पर चरोटियाँ रखी जाएंगी, और यहाँ पर जलेगी आग। तो इसे हमने बुधवार को खोदना था, तो आज बुधवार है। और पर आप देख सकते हैं ये है हमारी माड़ी, इसका नाम है माड़ी, और यहाँ पर है हमारी पूरी फैमिली। और यहाँ पर मैंने हाथ लगा दिए, सबका हाथ लगाना जरूरी होता है, तो अभी यहाँ पर पूजा करते हैं। और यहाँ पर है भाई जठेरे। यहाँ पर है हमारी दुल्हन। ओ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हैं सच, मतलब दुखी नहीं है जरा भी? हूँ दुखी भी पर थोड़ा बहुत है। अच्छा डॉक्टर फ्रेंड्स अभी अंदर वाले मंदिर में यहाँ पर भी पूजा की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है एंट्रेंस, और आगे जो औरतें आपको दिख रही हैं इनका काम है, ये अपने अपने घर से अपना एक छज लाएंगी जिसमें कि दालों और चावल वगैरह को ताला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो प्रक्रिया चालू है, और यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर खाना बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने की तैयारियाँ हो गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है रायता, और यहाँ पर बना रहे हैं हमारे ताऊ जी। ताऊ जी एक बार पंजाबी बोल दीजिए। इतू बड़िया जू लग दे तुड़के ओ जेड़े चल दे ने सोगी से बड़के ओ फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो वो खाने का जो काम था वो सारा कंप्लीट हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारे गांव के बड़े लोग बैठे हैं, और इनके साथ बैठने का यार बहुत मज़ा आता है,
पुराने पुराने कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, बहुत मजा आता है यार। तो अभी आपको बताते हैं मेहंदी का सीन। तो अभी तो शाम भी नहीं हुई है, तो बोला है कि 9 या 9:30 बजे लगेगी मेहंदी, अभी 7 बजे हैं, तो 2 घंटे वेट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 2 hours later पर आप देखते हैं दुल्हन रेडी है मेहंदी के लिए, और यहाँ पर है हमारे भाभी जी, तो यहाँ पर अभी मेहंदी लगाएंगे। अभी यहाँ पर आप देखते हैं, ये है हमारे भाई जी नितिन चौधरी और मेरे मामा जी के लड़के हैं ये, और यहाँ पर है भाई डुग्गू, जिसके साथ में लाइव भी आया था सुबह, आपने देखा। और डुग्गू हेलो, यहाँ देख कहाँ देख रहा, हेलो। और यहाँ पर है हमारी दीदी जी, वैसे तो ये मेरी भांजी है ना। सब यहाँ पर आप देख सकते हैं रात के खाने के लिए अरेंजमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर पूरियाँ तली जा रही हैं। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर औरत के भेष में एक मर्द है, जिसके आपको देखने और चलने के तरीके से लग ही गया होगा पता। तो ये एक रस्म होती है, मुझे भी नहीं था पता। तो इसमें एक कोई भी मर्द औरत का भेष धारण करके मतलब को थोड़ा सा मजाक वगैरह करते हैं, तो बन रही है ब्लॉग में। सोना सुनका गल्ला करदा घोड़िया,
एक दूजे जो चलना ही पौना टब्बर नी कल्या कल्या जींदा छोटी जी गल्ला पिछे छड़ी वो चली